कैसे हो आप फ्रेंड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, यदि आपके पास सैमसंग एंड्रॉयड स्मार्टफोन है और वो सैमसंग एंड्रॉयड स्मार्टफोन में आप इस प्रकार कुछ लॉक लगा के पासवर्ड लॉक या पैटर्न लॉक या पिन लॉक, जब आप अपना लॉक को किसी कारणवश भूल गए हो और आपका फ़ोन लॉक हो चुका है और अनलॉक नहीं हो रहा है, तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और सिखाऊंगा कि कैसे आपको सैमसंग एंड्रॉयड स्मार्टफोन का पासवर्ड लॉक हो, पैटर्न लॉक हो या पिन लॉक हो, उसको ब्रेक करना है, तोड़ना है। फ्रेंड, आज की इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखिएगा तो आप सीख जाइएगा कि कैसे आपको सैमसंग एंड्रॉयड स्मार्टफोन का लॉक तोड़ना है, वो भी बिना सर्विस सेंटर गए हुए और बिना डाटा डिलीट किए हुए। इस प्रोसेस में आपका एक भी डाटा डिलीट नहीं होगा फ्रेंड, और आपको हार्ड रिसेट करने का भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी फ्रेंड। तो आइए फ्रेंड, मैं इस इंटरेस्टेड वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप भी मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि ऐसा वीडियो मैं बनाता रहूँ और वो डायरेक्ट आपके पास पहुँचता रहे। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको अपने स्क्रीन के ऊपर ऐसे स्वीप अप करना है। मैं फिर से बता दूँ, सबसे पहले आपको अपने स्क्रीन के ऊपर ऐसे स्वीप अप करना है। आपको जीरो के नीचे जस्ट आपको इमरजेंसी कॉल दिख रहा है फ्रेंड, इस इमरजेंसी कॉल पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप इमरजेंसी कॉल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आप देख रहे हो एक न्यू डायलेट खुला है फ्रेंड। इस न्यू डायलेट में आपको एक छोटा सा कोड का इस्तेमाल करना होगा, जिस कोड का नाम होता है FRP कोड। वो कोड मैं आप लोगों के सामने अप्लाई करता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। और इस कोड को फ्रेंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि स्क्रीन शॉट या कहीं लिख लीजिएगा, क्योंकि ये कोड में बहुत शिकायत भी आया है कि सर ये कोड एक बार कॉल करने के बाद गायब हो जाता है। तो आपके पास अगर ये स्क्रीन शॉट रहा या कहीं आप लिख के रख लोगे तो ये गायब भी हो जाएगा, तो दोबारा आप डायल कर सकते हो। इस कोड को आपको 5 times कॉल करना है फ्रेंड, ओनली 5 times। कैसे कॉल करोगे आप, कॉल पर क्लिक करोगे, कॉल फेल्ड, द नंबर इज नॉट एन इमरजेंसी नंबर का मैसेज आएगा, इसको ओके कर दीजिएगा। ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5। आपको इसी प्रकार 5 times कॉल करना है। उसके बाद इस कोड को एक एक करके हटा देना है। जब आप फ्रेंड 5 times कॉल किए हो तो ये कोड में इतना रफ्तार होता है कि ये कोड अपना वर्क कर चुका होता है। अब आपको फाइनली कोड का इस्तेमाल करना है, जिस कोड का नाम होता है गूगल मास्टर अनलॉकिंग कोड। ये कोड मंथ बाई मंथ चेंज भी होते रहता है। अगर आपको लेटेस्ट कोड चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन करके कमेंट बॉक्स में कोड ले सकते हो। और आपका जो फाइनली कोड है फ्रेंड, उस कोड का नाम होता है गूगल मास्टर अनलॉकिंग कोड। तो ये कोड आप लोग के सामने मैं अप्लाई कर रहा हूँ। इस कोड में फ्रेंड सबसे एक खास बात ये होता है कि इस कोड का सबसे पहला वर्क होता है कि आपके फ़ोन में लगे हुए पासवर्ड लॉक हो, पिन लॉक हो या फेस लॉक हो या पैटर्न लॉक हो, उसे तोड़ देता है। और इस कोड का दूसरा खासियत ये होता है कि आपके फ़ोन के अंदर जितना भी डाटा है फ्रेंड, बोले तो फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, वो सब कैप्चर कर लेता है, सेव कर लेता है, डिलीट नहीं होने देगा फ्रेंड, सिर्फ इस कोड की मदद से। तो इस कोड को आपको 7 times कॉल करना है फ्रेंड, कैसे, जैसे आप पहले किए थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and then 7। 7 times जब आप कॉल कर लोगे तो इस कोड को डायरेक्ट हटाना है फ्रेंड आपको। इस प्रकार इस कोड को डायरेक्ट हटा दीजिएगा। नीचे आपको होम बटन दिख रहा है, होम बटन पर क्लिक कीजिएगा। यदि आपके सैमसंग एंड्रॉयड स्मार्टफोन में स्वीपअप का ऑप्शन है अगर, तो स्वीपअप कीजिए, लेकिन होम बटन से ही कीजिए। यहाँ पर है फ्रेंड होम बटन, तो मैं होम बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हो कि इस सैमसंग एंड्रॉयड स्मार्टफोन का लॉक जो कि पासवर्ड लॉक था वो टूट चुका है। और इस फ़ोन का डाटा देख लेते हैं तो आप देख सकते हो कि इस फ़ोन का डाटा सेम का सेम है, एक भी डाटा इरेज नहीं हुआ है। यदि आप सर्विस सेंटर गए होते तो आपका अभी पैसा लगता, समय लगता, और पैसा समय लगने के बावजूद भी ये डाटा भी अप्रोक्स आपका लग ही जाता, क्योंकि सर्विस सेंटर वाले डाटा डिलीट कर देते हैं। तो आई होप फ्रेंड कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा फ्रेंड। यदि पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसा वीडियो मैं बनाता रहूँ और वो डायरेक्ट आपके पास पहुँचता है। और आपके पास भी किसी भी कंपनी का एंड्रॉयड स्मार्टफोन है, वो लॉक हो चुका है, अनलॉक नहीं हो रहा है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो फ्रेंड, और आपका मैं पूरा मदद करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।